नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो गुरुदेव यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जीवन के बारे में। अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के सैफई गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मुलायम सिंह यादव और माँ का नाम मालती देवी है। अखिलेश यादव ने प्राथमिक शिक्षा है वह इटावा के सेंट मेरी स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई उन्होंने राजस्थान में धौलपुर में जो सैनिक स्कूल है वहां पूरी की। इसके बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई मैसूर के एसजे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पूरी की और फिर वे मास्टर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी चले गए। सिडनी से पढ़ाई खत्म करने के बाद जब वे भारत लौटे तो वे अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ राजनीति से जुड़ गए और अखिलेश यादव की शादी डिम्पल यादव से 24 नवंबर 1999 को हुई। अखिलेश यादव ने अपने आप को राजनीतिज्ञ, किसान, इंजीनियर और समाजसेवी बताया है। अखिलेश यादव जो कि वर्ष 2012 में 27 साल की उम्र में पहली बार लोकसभा के सदस्य बने और उसके बाद वे लगातार 3 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। पहली बार वे लोकसभा के सदस्य उपचुनाव के समय कन्नौज से बने जब उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने कन्नौज और मैनपुरी दोनों ही लोकसभा सीट से जीत हासिल की तो कन्नौज की सीट छोड़ने पर अखिलेश यादव को उपचुनाव का उम्मीदवार बनाया गया और उन्होंने जीत हासिल की। इसी तरह से जब अखिलेश यादव 2 जगह से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने भी फिरोजाबाद की सीट को छोड़ा था। तो जब फिरोजाबाद की सीट को जब छोड़ा था तो उनकी पत्नी डिंपल यादव को उन्होंने भी उस चुनाव में उतारा था, लेकिन उस चुनाव में राज बब्बर जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने फिरोजाबाद से डिंपल यादव को शिकस्त दी थी और इस तरह से वह अपनी रणनीति को दोबारा से सफल नहीं बना पाए। अखिलेश यादव ने अपना कद अपनी पार्टी में धीरे धीरे बढ़ाया और उनकी प्रसिद्धि भी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगी और उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा जो उदाहरण मिलता है वो मिला है मार्च 2012 में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि उससे पहले 2007 में जो चुनाव हुए थे उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना चुकी थी और समाजवादी पार्टी के विधायक बहुत ही कम थे, लेकिन मार्च 2012 में बहुत ही कड़ी टक्कर होने के बाद भी अखिलेश यादव ने बहुत ही अच्छा चुनाव प्रचार किया और उस समय वे उत्तर प्रदेश में और ख़ास करके युवाओं में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए और उनका चुनाव का जो नतीजा रहा वह भी उनके पक्ष में रहा। 224 सीटें जीत करके मात्र 38 वर्ष की आयु में उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई और 2017 तक वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। सन 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से उनकी पार्टी को शिकस्त मिली और भारतीय जनता पार्टी 312 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही। 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी हार 2014 में हुई जिसमें कि उन्हें सिर्फ 5 ही लोकसभा की सीटें मिली क्योंकि टोटल उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदला उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए गोरखपुर और फूलपुर और उसके बाद कैराना और यहाँ से अखिलेश यादव ने अपना हाथ उनकी चिर प्रतिद्वंदी जो कि मायावती हैं उनकी तरफ बढ़ाया और उनकी ही कोशिशों का आज नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उसकी प्रतिद्वंदी बहुजन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल तीनों ने मिलकर एक महागठबंधन बनाया है और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक कोशिश की है। अभी देखना यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव किसे पसंद करते हैं, गठबंधन को या भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अगर आज उत्तर प्रदेश में कोई चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वो है अखिलेश यादव का नेतृत्व, क्योंकि अखिलेश यादव की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको ये पोस्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।